अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने जिले में अजय दिग्विजय सिंह आज पार्टी में अकेले पड़ गए। वो कभी राहुल गांधी के गुरु कहलाए जाते हैं, कभी कांग्रेस के लिए बहुत रणनीतिकारी के तौर पर उपस्थित होते हैं। और राहुल गांधी की जो ये पद यात्रा चल रही है जिसका नाम है भारत जोड़ो यात्रा, उसके रणनीतिकार दिग्विजय सिंह ही माने जाते हैं। व्यवस्थापक दिग्विजय सिंह हैं, सबको जोड़ने का काम दिग्विजय सिंह कर रहे हैं और यात्रा को सफल बनाने का काम भी दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। और शुरुआत यानी कि कन्याकुमारी से जब यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंच गई, जब ये खत्म होने वाली है, ऐसे में दिग्विजय सिंह जो सबको साथ लेकर चल रहे थे, आज वो अकेले पड़ गए। दिग्विजय सिंह पूरी पार्टी एक तरफ और दिग्विजय सिंह एक तरफ, यानी कि असर क्या? असर ये कि जिस तरीके से सेना को लेकर उन्होंने सवाल उठाया, पुलवामा हमले को लेकर उन्होंने बात की, कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को अलग कर लिया है। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने भी अपने आप को अलग कर लिया है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सेना पर कभी सवाल नहीं उठाती, कांग्रेस सेना के पराक्रम को लेकर कभी सवाल नहीं उठाती। और जो दिग्विजय सिंह ने बात कही है, ये उनकी अपनी बात है, कांग्रेस की बात नहीं। यही बात कमलनाथ ने कही, यही बात तमाम कांग्रेस के नेताओं ने कही। तो एक बयान को लेकर दिग्विजय सिंह फिर घिर गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा पर विपक्षी पार्टियां टूट पड़ी हैं, सवाल जवाब उठाए जा रहे हैं और पूरी की पूरी कांग्रेस और राहुल गांधी को उन्होंने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि ये कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते, ये दुश्मनों के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। लेकिन दिग्विजय सिंह अकेले पड़ गए, या यूं कहें कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो पूरी मेहनत उन्होंने की, उस पर पानी फिरता नजर आ रहा है। अगले कदम का इंतजार होगा और देखना होगा कि क्या कुछ नजर आता है इस मसले पर। फिलहाल इतना ही, आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।